विदेशी बहू के संस्कार पर लोग हंसने लगे। मालकिन 4 बजने को आया है, आप कहे तो आरती की थाली तैयार कर देती हूँ। दीपक भैया बहू रानी को लेकर आते ही होंगे। गृह सेविका नंदा ने जब अपनी मालकिन से पूछा तो देविका जी ने बेमन से उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नंदा नई बहू रानी तो नए विचारों वाली विदेशी है, वो भला हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों को कहाँ समझेंगी। विदेश में तो हेलो सेलो बोला जाता है, बड़ों का आदर सम्मान करना उसे क्या पता। जैसा आप कहिए, कह कर नंदा अपने काम में लग गई और देविका जी दीपक की तस्वीर देखते हुए सोचने लगे, कितनी सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की पसंद किया था, इसके लिए अपनी बिरादरी की भी थी, लेकिन इसे तो अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाले ही पसंद आए, और ऐसी पसंद आई कि हमारा आशीर्वाद लेना भी उचित नहीं समझा। अब आ रहा है मेहमान बनकर, 1-2 दिन में तो चले ही जाना है, उसकी गोरी में यहाँ कहाँ ठहरने वाली। एक ठंडी सांस लेते हुए वे उठ ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। नंदा देख जरा कौन आया है, अनमने से स्वर में उन्होंने नंदा को आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खोलते ही नंदा खुशी से चीख पड़ी, मालकिन बहू रानी। अच्छा अच्छा आती हूँ, कहते हुए दरवाजे तक पहुँच कर वे ठिठक गई। दीपक के साथ लाल बनारसी साड़ी पहने और सिर पर पल्ला रखे एक श्वेत वर्ण की नव युवती को देखकर वे चौंक पड़ी। माथे पर बड़ी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, लाली से रंगे होठ, हाथों में खनकती चूड़ियां और अलते से रंगे पैरों में बिछिया पैजेब देखकर तो वे दंग रह गई। दीपक ने कहा, माँ ये आपकी बहू एलिना है, देवकी जी तो अपना शुद्ध बुद्ध ही खो बैठी थी। बेटे ने कहा, क्या कहा, उन्हें सुनाई नहीं दिया। जब दीपक ने एलिना से माँ के पैर छूने को कहा तो एलिना बोली, अभी तो मम्मी जी मेरी आरती उतारेंगी, यही रिवाज है ना मम्मी जी। सुनकर देवकी जी की तंद्रा टूट बोली, हाँ हाँ कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नंदा आरती की थाली ले आ, अभी लाई मालकिन। कहते हुए नंदा आरती की थाली लेकर तुरंत हाजिर हो गई। एलिना बोली, चावल भरे कलश और लाल पानी की, हाँ हाँ सब तैयार है। कहते हुए नंदा दौड़ कर सारी चीज़ें लाने लगी और देविका जी हैरान थी कि विदेश में पली बढ़ी इस नई नवेली वधू को हमारे सभी रीति रिवाज कैसे मालूम है। मैंने तो इसके बारे में ना जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन ये तो एक एक करके हमारे सभी परंपराओं का वाहन करती जा रही है, और मैं बरसों से जिन संस्कारों का पालन मैं करती आ रही हूँ, आज ना जाने कैसे मैं नई बहू के स्वागत करने के उन संस्कारों को भूल गई। एलिना ने तो संस्कारी बहू होने का फर्ज निभाया, परंतु मैं संस्कारी सास नहीं, माँ एलिना को आशीर्वाद नहीं देंगी। बेटे ने कहा तो उनकी नज़र एलिना पर पड़ी जो उनके पैरों को छू रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बहू को दूधो नहाओ वाला आशीर्वाद दिया। एलिना ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से चावल भरा कलश गिराया और लाल पानी से भरे प्रात में अपने पैर को रखकर उसने जब घर में प्रवेश किया तो जमीन पर घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान देखकर देवकी जी खुशी से फूली ना समाई और एलिना को गले से लगा लिया और अपनी विदेशी बहू की तारीफ़ें की पूले बांधने लगी।